हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप ऐसे ही वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को उससे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूं, जिससे आपको चीज़ों का रिव्यू मिलता रहे और आप लोगों को परचेस करने में आसानी हो। तो जैसे कि आज आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो ये है H&M का फॉक्स शेयरलिंग हुडी। तो इसका भी मैंने ऑनलाइन देखा तो कोई रिव्यू नहीं था, तो मैंने सोचा मैं रिव्यू करूँगा इसका, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। तो आज ये मेरे पे आ गया है, तो मैं आज ही आपके लिए इसकी वीडियो बना दे रहा हूँ। तो चलिए, और इसका रेट मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में। और ये मैंने मंगाया है H&M से ही, मिंत्रा वगैरह से नहीं मंगाया, ये मैंने H&M की जो साइट होती है उससे ही मंगवाया है। तो आइए चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फ्रॉम रील टू रियल। इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी सही है, इसमें दिया हुआ है ओपन हेयर करके, खाली आपको बस इसको खोलना है, इसको खींचना है, तो ये पैकेट आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए H&M की ये बात सबसे सही रहती है कि कैसे आपको फाड़ने डरने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये ओपन हेयर का दिया हुआ है। देखिए ओपन हेयर, यहाँ बस आप यहाँ पर करिए, इसको पकड़ खींचिए। आजकल मिंत्रा वाला भी ऐसी पैकेजिंग दे रहे हैं, ये काफ़ी सही पैकेजिंग रहती है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ये इन्वायरमेंटली भी सेफ रहता है ताकि हमें वो प्लास्टिक के पैकेट फेंकने ना पड़े। तो आइए, ये हो गई है, खुल गई है, तो करते हैं इसका रिव्यू और देखते हैं कैसी है हमारी ये जैकेट। ये देखिए ये अभी आई है, मैं तो कुछ खोला भी नहीं, आपके सामने ही खोल रहा हूँ, तो कुछ जेन्युइन रिव्यू दूंगा जेन्युइन। इसका प्राइस ये देखिए, इसमें लिखा नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। इसका प्राइस है इतना। यह है हमारी जैकेट हुडी, मतलब मैंने इसका मीडियम साइज मंगाया क्योंकि मेरे को मोस्टली मीडियम ही आता है। अरे भाई काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, ये देखिए कितना सॉफ्ट मटेरियल है। और ये बना है 100% पॉलिस्टर से, जो कि है रिसाइकल पॉलिस्टर। ये देखिए कितनी सही पैकेजिंग आई है इसकी, H&M की तो ऐसी पैकेजिंग आती है। ये देखिए वो काफ़ी सॉफ्ट है, ये फॉक्स शेयरलिंग हुडी, टेडी पॉकेट्स इसको हम कहते हैं, इसका जो मटेरियल है उसको टेडी मटेरियल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, तो खोल के पहले इसकी पन्नी को रखते हैं साइड में। यह है हमारा हुडी, काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। यहाँ पे इसके इलास्टिक्स लगे हुए हैं, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, कोई हद नहीं है उसके सॉफ्ट होने की, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसमें हाथ रखे रह जाएंगे लेकिन आपका मन नहीं करेगा हाथ हटाने का। ये इसके रुए भी उड़ने लग गए हैं अभी से ही। ये देखिए ये है हमारा हुडी, इसमें कैंगरू पॉकेट्स हैं, एक ही पॉकेट, एक ही पॉकेट, और यहाँ पे ड्रॉ स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं ताकि अगर आपको टाइट करना है, इसमें वो लंबे वाले नहीं दिए हैं, उनको उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो नहीं दिए हैं इसमें, इसमें दिए हैं ये ड्रॉ स्ट्रिंग्स। इसको आपको टाइट करना है तो इसको खींच सकते हैं, और अगर ढीला करना है तो इसको दबाएँ और निपड़ नीचे हो जाएगा। यह हुडी, यह है इसका हुड, और इसके साथ ब्रांडिंग भी दी होगी, ये देखिए, मतलब 1999 रुपीज़, मतलब 1000 रुपीज़ का ही मानिए, 1000 रुपीज़ का बनाए हैं ये, 100% रिसाइकल पॉलिस्टर। और क्या है, और कुछ भी नहीं है, इसे ब्रांडिंग भी दी होगी H&M की। देखिए H&M रिलैक्स फिट हुडी है ये, देखिए। और अगर आप इसको मंगवाते हैं तो इसकी क्लीनिंग के लिए काफ़ी आपको
ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि फॉक्स शेलिंग है और तो ये ख़राब बड़ी जल्दी होता है। तो अगर आप इसको मंगवाते हैं तो आपको इसको टम्बल ड्राई करवाना है, ना कि सिर्फ ड्राई क्लीन। अगर घर में धोना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल अलग धोना पड़ेगा इसको, इसके साथ कुछ भी नहीं धोना चाहिए क्योंकि इसमें अगर उसका रंग लग गया तो फिर निकलने वाला नहीं है। और इसमें आयरन भी होती है लेकिन वो मीडियम हीट में आयरन होती है। और मशीन वॉश नहीं कीजिएगा इसको, हाथ से थोड़ा बहुत धो लीजिएगा क्योंकि गंदा तो होना है नहीं, वैसे ही है, ब्लैक कलर ही है। इसके और दो कलर भी आते हैं, वो कलर आप, मैंने देखा नहीं है, आप देख लीजिएगा। एक शायद आता है मेरे हिसाब से बीच कलर है और एक है ग्रे कलर, तो वो दो कलर हैं। और इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अगर आपको मंगवानी होगी तो डिस्क्रिप्शन से आप आराम से मंगवा सकते हैं ये हुडी का। ये देखिए, लेकिन पतला है काफ़ी, मतलब ठंडों के हिसाब से नहीं है ये, मतलब ठंड रुकने वाला नहीं है। ये देखिए, मैंने नीचे से हाथ डाला हुआ है, ये काफ़ी पतला है, बहुत पतला है। मतलब अगर आपको खाली इसको स्प्रिंग के टाइम पहन सकते हैं, इस टाइम पहनने का इसको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ठंडा नहीं लगता है तब तो आप कभी भी पहने इसको। और इसके यहाँ पे भी दिए हुए हैं ये इलास्टिक्स टाइट करने के लिए यहाँ पे, हाँ एक ही साइड, एक ही तरफ दिया है यहाँ पे। और इसकी फ़ोटोज़ और वीडियो तो मैं एंड में बना के आपको दिखाई दूंगा कि कैसा लगता है ये पहनने के बाद। वैसे तो अभी तो काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा इसको मोटा होना चाहिए था, तब ये ठंडों के हिसाब से थोड़ा सही रहता। ये मोटा नहीं है, मतलब गर्म तो नहीं करेगा ये, इतना तो मेरे को लगता है। और इसके यहाँ पे प्लास्टिक से दोनों, यहाँ पे भी और इसके यहाँ पे भी, इन दोनों में इसके प्लास्टिक्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, और वीडियो पूरा देखें। एंड में मैं इसका डालने वाला हूँ अपनी वीडियोस और फोटोज़ इस जैकेट को पहने हुए। थैंक यू। दोस्तों तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा हुडी, काफ़ी बैगी फिट है ये हुडी, काफ़ी सही लग रहा है पहनने में, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सोचा था इसको मंगाने के बाद वापस कर दूंगा लेकिन मेरे को पसंद आ गया ये हुडी, अब मैं रख रखने वाला हूँ, काफ़ी सही लग रहा है ये हुडी। थोड़ा बहुत गर्म भी हो ही रहा है हल्का हल्का, लेकिन इसके रुए काफ़ी निकल रहे हैं। मैंने अभी पहना तो मेरे पूरे बॉडी में रुए रुए हो गए थे, और देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आप इसको मंगाते हैं तो। लेकिन 2000 रुपये का है तो वो देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इसके जो इसका मेरे को लगा उसके साथ थोड़ा ओवररेटेड है, थोड़ा महंगा लग रहा है मेरे को, लेकिन इसको लेने के बाद आप रिग्रेट नहीं करेंगे, इतना तो है। लेकिन बस ठंडों में पहनने लायक नहीं, इसके अंदर से आप कुछ पहन नहीं पाएंगे। अगर आप मीडियम मंगाएंगे तो इसके अंदर से कुछ पहन नहीं पाएंगे। अगर आपका साइज़ एम आता है आपको, तो अगर आप मीडियम मंगाएंगे तो इसके अंदर से कुछ पहन नहीं पाएंगे। अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए तो लार्ज मंगा लीजिएगा, इसके अंदर से अगर 2-3 चीज़ें और पहननी है तो। वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये हुडी।